4 जून 2024 को वो दिन है जब कुछ लोकसभा प्रत्याशियों के चेहरे जीत की खुशी से खिल जाएंगे, जबकि कुछ के हार से मुरझा जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक प्रत्याशी ऐसा भी है जो अगर जीत भी गया तो उसकी खुशी फीकी पड़ सकती है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के एक उम्मीदवार पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जो जीतने के बाद भी शायद लोकतंत्र के मंदिर में दाखिल ना हो पाए। हम बात कर रहे हैं गाजीपुर लोकसभा सीट से सपा उम्मीदवार और मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी की, जिनकी एक याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में गैंगस्टर के तहत उन्हें 4 साल की सजा मिली है। इसी सजा के खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में इससे पहले 27 मई को सुनवाई हुई थी। इस दौरान अफजाल अंसारी ने गाजीपुर सीट पर चुनाव लड़ने के लिए कानूनी दाव खेला था। अफजाल के वकीलों ने 5 दिनों की मोहलत मांगी थी, जिससे फाइनल फैसला आने तक गाजीपुर सीट पर चुनाव हो जाए। फिलहाल अब उनका सियासी भविष्य तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर टिका है। माना जा रहा है कि आज ही कोर्ट उन्हें लेकर फाइनल जजमेंट सुना सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां होनी है। ऐसे में अगर कोर्ट उनके हक में फैसला नहीं सुनाता है और उनकी 4 साल की सजा बरकरार रही तो कानूनन जीतने के बाद भी उन्हें सांसद पद छोड़ना पड़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।